तो अगेन हम लोगों ने अपना ट्रैवल चलास से स्टार्ट करके गिलगित तक किया। चलास से लेकर गिलगित तक मैंने बहुत कम व्लॉगिंग की है, क्योंकि इस दौरान व्यूज़ तकरीबन एक जैसे थे, बस दरियाए सिंध कभी आगे पीछे इधर उधर होता जा रहा था और हम लोग थे। और दूसरी बात हमारी ये गलतफहमी थी स्पेशली मेरी के गिलगित बहुत ग्रीन होगा, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं था, ग्रीनरी बहुत कम थी। ग्रीनरी अगर थी तो सिर्फ नारान कागान में थी और बाबूसर टॉप तक ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अट्रैक्टिव था। और ये चलास बहुत ज़्यादा गर्म था, यहाँ पर शदीद गर्मी थी और कुछ रास्ते भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग सही से नहीं कर सकी हूँ। रोड तो बहुत स्मूथ था बट यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन जारी थी, अब आई डोंट नो कोई यूनिवर्सिटी बन रही थी या फिर कुछ इस तरह का कुछ बन रहा था, तो मैं ज़्यादातर व्लॉगिंग नहीं कर सकी हूँ। बट जितना भी मैंने किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियोस को लाजमी आखिर तक देखिएगा, और जो कुछ मैंने मिस किया है या कुछ कोई ऐसी बात है तो आप लोग मुझे ज़रूर बता दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। मुझे खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियोस वॉच करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपने ये किया, आपने ये मिस्टेक की या फिर आपने ये मिस्टेक नहीं की। तो चलिए जी, अब आप लोग वीडियो वॉच करें। फुटवेयर चाहिए थे जो कि मैंने ये यहाँ से ये ले ली थी, और फिर यहाँ पर कुछ ज़बरदस्ती वैरायटीज़ थी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, शूज़ बेहतरीन टाइप के थे। और तो जी, बस हम लोग गिलगित पहुँच गए थे और काफ़ी थक गए थे, बस देख रहे थे कि कहाँ पर रेस्ट करेंगे, कहाँ पर ठहरेंगे। और ये कुछ गिलगित के ट्रेडिशनल फूड्स थी, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।